मतलब कल 22 तारीख, 23 तारीख को आंवला नवमी, फिर एकादशी, द्वादशी प्रदोष, फिर उसके बाद में हरिहर मिलन वैकुंठ चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा। ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो प्रयास करो कि इन तिथियों पे कम से कम एक दीप ऐसा जलाया जाए जिससे हमें समृद्धि लक्ष्मी वैभव प्राप्त। घर में भी जो दिए रखे जाते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा, विष्णु पुराण मंगरूल पीर हमारे चैनल पर डली हुई है, अगर नहीं सुनी हो तो एक बार विष्णु पुराण निकालना, आपको आ जाएगी, उसको सर्च कर सुनना। मंगरूल पीर महाराष्ट्र अमरावती की विष्णु पुराण की कथा आप श्रवण करेंगे तो उसमें वर्णन किया था कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता, उस दीपक की भी महत्वता है, उस दीपक का भी वर्णन है महाराज। और कई तरह के दीपक होते हैं, और दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया। यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है महाराज, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको महाराज। केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट आधा घंटा लगेगा, बच्चे का बुखार पूरा उतर जाएगा, इतना विधान है दीप का। दिया कोई साधारण नहीं होता, दीप कोई साधारण नहीं होता। पशुपति व्रत शिव महापुराण में हम बताते हैं, कई बार आपको वर्णन किया कि पशुपति व्रत जब करो तो 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ शंकर जी के, 5 दिए शंकर जी के सामने लगाओ, 1 दिया घर पर आओ तो घर के राइट भाग में जब प्रवेश करो तो सीधे हिस्से में घर के दरवाजे पर लगाओ, तब अंदर प्रवेश करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दीप का महत्व होता है। दिए भी अलग अलग होते हैं, पहला दिया होता है पणाती दिया। मैं चैनल वालों से कहूंगा, अगर आपके पास में, अगर क्योंकि हमने पहले भी कथा में कहा कि जिस जिस जगह का स्मरण कराएं उस जगह का फोटो भी आप दिखाएंगे तो उसका आनंद कथा सुनने वालों को, ऑनलाइन वालों को मिलेगा। पहला होता है पणती दिया। ये पणती दिया मट्टी का दीप, जिस दीप के अग्र भाग को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है उसको पणती दिया कहते हैं। ये पणती दिया जब भी भगवान के सामने लगाया जाता है तो इस दिए को सम्मुख में जब रखा जाता है तो दिए का जो लोकी मुख होता है वो अपनी ओर होना चाहिए महाराज। पणती दिए की जो लो है, बाती है, उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए। विष्णु पुराण कहती है अगर इस दिए की बाती भगवान की ओर रहती है तो हमें तपन की अनुभूति होती है, पर इस दिए की बाती जब हमारी ओर होती है तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो वो कट जाती है पणती। विष्णु पुराण में दूसरा दीप कहा गया है निरांजन दीप। विष्णु पुराण में दूसरे दीप का वर्णन निरंजन दीप। जिस निरंजन दीप में महाराज आपने देखा होगा डमरू जैसी आकृति होती है, अगर चैनल पर कथा देख रहे होगे तो इनके पास में अगर होगा तो अवश्य दिखाएंगे। निरंजन इस निरंजन दीप में डमरू की आकृति होती है, रखने का भाग और ऊपर का भाग इस तरह से, और ऊपर उसमें दिए लगाए के लिए बाती का स्थान रहता है। किसी किसी में 5 कंगूरे होते हैं, किसी किसी में 6 कंगूरे होते हैं, इसको निरंजन दीप कहते हैं महाराज। विष्णु पुराण के 5वें अंश में लिखा गया निरंजन दीप भगवान के सम्मुख में राइट भाग में लगाया जाता है। भगवान का जो स्थान होता है, भगवान का जो मंदिर होता है, तो भगवान का राइट, आपका होगा लेफ्ट, क्योंकि आप भगवान के सामने बैठोगे तो भगवान का राइट आपका लेफ्ट, तो आप जब लगाएंगे तो आप लेफ्ट में लगाएंगे, आपका लेफ्ट होगा और भगवान का वो भाग राइट कहलाएगा, तो भगवान के सीधे हाथ की ओर लगता है माना निरंजन।
निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगता मार्ग, निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगेगा। हाँ यह हो सकता है कि बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें तेल डाल सकते हैं, बटी निरंजन दीप जो होता है उसमें कंगूरे नहीं होते, बटी निरंजन दीप केवल गोल होगा, ऊपर से डमरू जैसी आकृति होगी, डमरू जैसा होता है ऊपर से, उसमें कहीं कंगूरे नहीं होते महाराज। अगर आप चैनल पर देख रहे होंगे तो बटी निरंजन दीप का भी वर्णन आपको दिखाया जा रहा होगा। बटी निरंजन जो दीप होता है वो केवल डमरू की आकृति में होता है, उसमें कोई कंगूरे नहीं होते, पर निरंजन जो दीप होता है उसमें कंगूरे होते हैं। तो जो निरंजन दीप होता है उसमें कभी तेल नहीं डाला जाता, निरंजन दीप को हमेशा घृत से ही लगाया जाता है, पर बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें आप तेल डाल सकते हैं, बटी निरंजन दीप जो लगाएंगे वो तेल का लगा सकते हैं, पर निरंजन में कभी तेल नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डालते? विष्णु पुराण कहती है निरंजन दीप के अंदर अगर तेल की बाती लगाकर लगाया जाता है तो एक रुपया कमाते हैं सवा रुपए खर्च होगा, घर में 10 लोग भी कमा कर लाएंगे तो पैसा नहीं दिखेगा, घर में रुपया टिकता नहीं है। अर्थात निरंजन दीप में आप तेल की बाती लगा रहे हो, ये सिद्ध हो चुका है। अब अगर आप यही बात किसी जगह पर पूछोगे, किसी आचार्य से पूछोगे हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, तो वो कहेगा तुम्हारी गृहदशा खराब हो रही है, तो उसने अंगूठी पहना दी, अंगूठी पहनाने के बाद भी घाटा खा गए, फिर पूछोगे महाराज हमने तो अंगूठी पहनी, नीलम पहना, पुगराज पहना, ये पहना, वो पहना, आराम नहीं लगा, तो कहा तुम्हारे यहाँ वास्तु का दोष है, वास्तु भी सही करवा लिया उसके बाद भी सुख नहीं मिल रहा। अर्थात आपके दिए में जो आप बाती लगा रहे हो उसमें कुछ कमी है, उसको पहचानो। चतुर जो डॉक्टर होता है वो जरा सी देर में पकड़ लेता है कि इसको प्रॉब्लम हो क्या रही, और नहीं तो कहेंगे जांच कराओ, ये जांच हो, जांच हो, मालूम पड़े कुछ निकला नहीं, फिर भी शरीर में कष्ट, कष्ट का कारण क्या, वो पकड़ा जाता। मतलब आप एक रुपया कमा रहे हो, सवा रुपया अगर खर्च हो रहा है तो निरंजन जो दीप है उसमें तेल की बाती लग रही है, ये पक्का है, ये पक्का है। मतलब घर में पैसा टिक नहीं है, पैसा आ तो बहुत रहा है, बहू भी कमा रही, बेटा भी कमा रहा, दुकान से भी आ रहा है, किराए से मकान भी चल रहा है, वहां से भी बहुत कुछ आ रहा है, पर आखिर पैसा दिखता क्यों नहीं है? आया लाख रुपए रात को आए, दो तीन दिन में चले गए, बची नहीं कुछ भी, पत्नी के पास भी बेचारी वो माई के सल्लाह के जोड़ के वो तो बताती नहीं, अच्छा थोड़ा सवाल कर, पर कमाई का धन नहीं दिख रहा। मतलब निरंजन जो दीप है, निरंजन दीप जिसमें ऊपर कंगूरे बने रहे, 5-6-7 डमरू की आकृति का रहता, पर उसमें कंगूरे बने रहते निरंजन, उसमें जरूर आप तेल डालकर जला रहे हो, इसलिए धन दिख नहीं रहा, संपदा दिख नहीं रही, वैभव दिख नहीं, उसमें केवल घी की ही बाती है। और महाराज बटी निरंजन जो दीप होता है उसके अंदर आप तेल डालकर जला सकते हो, बटी निरंजन जो दीप होता है या आप किसी भी स्थान पर लगाओगे, सबसे पहले पितृ इससे भाग ग्रहण करते हैं, देवता को देते हैं, देवता उससे भाग ग्रहण कर कुबेर को प्रदान करते हैं, कुबेर उससे भाग लेकर शिव को प्रदान करता है, भगवान शंकर बटु भैरव को कहकर घर का उद्धार करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं बटी निरंजन, इसमें कंगूरे नहीं होते महाराज, बटी। एक कुबेर निरंजन भी होता है, दिए में स्टैंड होता है, पकड़ने की जगह होती है, आगे उसमें चोंच लगी रहती है, उसको कुबेर निरंजन दीप कहते हैं। कुबेर निरंजन दीप महाराज जब भी जलाया जाता है, इस तरह का दिया अगर किसी के घर में हो, कुबेर निरंजन जिसमें स्टैंड होता है, ऊपर होता है, थोड़ा लंबा होता है, आगे लंबाई निकली रहती है, कुबेर निरंजन टीवी पर आप दर्शन कर रहे होंगे, तो कुबेर निरंजन जो दीप होता है उसमें आगे भाग लंबा रहता है और पकड़ने का स्थान होता है। तो कुबेर निरंजन दीप घी का लगाओ चाहे तेल का लगाओ, उसमें लौंग या काली मिर्च, काली तिल या चावल, पूजन वाली जगह में जो चावल रखे उसका दो दाना चावल का या फूल की पत्ती, कुछ भी उस कुबेर निरंजन दीप में डालना जरूरी होता है, जिससे हमारे घर में भंडार सदा भरा रहे। अगर कुबेर निरंजन दीप खाली जलता है, आपने कई जगह मंदिरों में देखा होगा कुबेर निरंजन दीप डालते हैं तो उसमें थोड़ा दो दाने चावल के डाल देते हैं, कुछ नहीं डालता तो एक सिक्का पटक देते, एक का कलदार पटक देगा, कोई चवन्नी पटक देगा, कोई 5 पैसे पटक, पर पटकेगा। कुबेर निरंजन दीप खाली नहीं, समृद्धि देगा।
महाराज आनंद की अनुभूति कराएगा, सुख को देने वाला। मट्टी के जो गोल दिए होते हैं, माटी के महाराज, इन गोल दिए का जो प्रमाण हमारे यहां शास्त्र करता है, ये चहो दिशा को सुख प्रदान करने वाले। इसकी बात ही आप कहीं पर भी लगा सकते, किसी भी स्थान। आटे का जो दिया बनाते हो घर के अंदर, कभी आपने पूजन करी होगी तो आटे के दिया बनाओगे। अभी आप वैकुंठ आते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन विसर्जन करने जाओगे, घाट पर लगाने जाओगे आटे का दिया, तो आटे का जो दिया लगाते हैं, इसकी बाती हमेशा याद रखो कि अगर चार दिए लगा रहे हो तो चारों दिशा में बाती होना चाहिए उसकी। मतलब बाती एक ही रखो, पर चार दिए को चार दिशा की ओर निर्मित कर रख दीजिए, उसका मुख उधर। आटे के दिए में कभी भी चोंच नहीं बनाना चाहिए, अर्थात बत्ती रखने की जो चोंच होती है आटे के दिए में कभी नहीं बनाना, बिल्कुल गोल बनाना चाहिए, और उसको फिर विसर्जन की ओर आप लेकर जाओ या देवता की ओर लगाओ, जहां लगाना है, पर उसमें चोंच नहीं होना चाहिए। जिस आटे के दिए में चोंच बन जाती है उसको बलि का भाग ग्रहण करने वाले देव उसको प्राप्त कर लेते, तो उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं आता। इसलिए आटे का दिया जब भी लगाए संपूर्ण को